हेलो एवरीवन, आप सभी का शॉप 101 के नए एपिसोड रीसेलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शुरन है और मेरा काम है कि आपको अलग अलग तरीके के रीसेलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ और उसके ज़रिए आप उसके बारे में सीखे और आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और शॉप 101 से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स। सो अभी ये इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते क्या है, इसे क्यों बेचना है और कैसे बेचना है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो भी आपके हेल्थ और आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है वो इसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ग्रॉसरीज है, फिर बिस्किट्स है, किड्स केयर के लिए जैसे डाइपर्स है, फिर लोशंस है, ट्रिमर्स है, ये सब अभी ज़रूरी है और ये इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी ये इसेंशियल प्रोडक्ट्स क्यों बेच रहे हैं, तो इसेंशियल प्रोडक्ट्स अब बेचने हैं क्योंकि जैसे कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ गया है एंड अभी हर शॉप में ये सब चीज़ों का शॉर्टेज आ रहा है। तो लोग और कहीं प्रोडक्ट्स मिल भी रहे हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप ये रीसेलिंग कर सकते हो और कस्टमर को, आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको एक्चुअल रेट में वो प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो। इसके ज़रिए आप अपने कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो और आप कस्टमर्स बढ़ा रहे हो। और ये कैसे बेचना है, जैसे कि आपने शॉप 101 के ऐप में देखा होगा, वहाँ एक बैनर होगा जहाँ इसेंशियल प्रोडक्ट्स का एक बैनर आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ अलग अलग तरीके के बहुत सारे इसेंशियल प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। तो उसमें से आपको जो जैसे आपके कस्टमर्स हैं उस हिसाब से आपको इसेंशियल प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि 4 रीसेलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो कैसे आपको हेल्प करेगा ये लॉकडाउन के पीरियड में रीसेल करने के लिए इसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट टिप है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कहाँ सेल करना है, जैसे कि व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा फेसबुक से भी ज़्यादा व्हाट्सएप पे आप रीसेल कर सकते हो, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर है उनको आप बता सकते हो कि आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसेंशियल प्रोडक्ट, जो डेफिनेटली उनमें से उन लोगों को अब ज़रूरी होगा, जिसके किसी को बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि आपके पास मिलता है। तो कभी स्टेटस रखोगे आप ये सब प्रोडक्ट्स हैं तो उनके ज़रिए उनको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आपके पास। तो उनको अगर कोई प्रोडक्ट्स, ट्रिमर, बेबी किड केयर या फिर डाइपर्स अब बाहर नहीं मिल रहा है लेकिन आपके स्टेटस में या आपके ज़रिए उनको पता चल रहा होगा तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एक हम हेल्प कर रहे हैं ऐसे मौके पे, तो वो एक स्टेप 1 बहुत बेनिफिट है। स्टेप 2 ये है कि आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं रखनी है, जैसे कि हाल अभी सबका ही ख़राब चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो आपको 20-30 रुपीस का ही मार्जिन रखना है, जिसके वजह से आप भले ही आज कम कमा रहे होगे लेकिन वो कस्टमर आपके एक बिल्ड हो जाएंगे और अगली बार कभी भी उनको कोई भी प्रोडक्ट आगे जाके लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वो डेफिनेटली आई अश्योर कि वो आपके पास ज़रूर आएंगे और ऑर्डर्स के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी कस्टमर्स को अब जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो वो कस्टमर को बताना है कि आप और भी मतलब आपके फ्रेंड्स होगी तो उनको रेफ़र करो, जिसके कारण है जैसे कि आज ही मैंने ट्रिमर चाहिए था मुझे मेरे भाई के लिए, ट्रिमर लेने गए तो बहुत सारे दुकानों में ट्रिमर तो अवेलेबल नहीं था लेकिन एक दुकान में ट्रिमर अवेलेबल है, वहाँ 400 का ट्रिमर 800 में सेल कर रहे हैं। तो कोई भी रीसेल जो भी बाय करना चाहते हैं, जैसे कि मैं, तो मैं ऑनलाइन बाय करूँगी क्योंकि मुझे 400-450 तक मिल जाएगा था, ज़्यादा से ज़्यादा 800 मुझे उतना डबल पे तो नहीं करना है। तो आप इसके ज़रिए आप कैसे कस्टमर्स बिल भी कर रहे हो, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और आप कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके बढ़ा रहे हो, तो जिसके कारण आपका रीसेलिंग ज़्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आप जब सेल कर रहे हो तो कस्टमर को रिलेवेंट होना चाहिए, कि उसके नेसेसरी के हिसाब से होना चाहिए। कोई फैमिली में जो कस्टमर के उनके घर में किड्स होगा
तो आपको किड्स के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो डेफिनेटली बाहर नहीं जा पा रहे होंगे, तो डाइपर्स है, वो सब बेसिक थिंग्स है जो किड्स के लिए नेसेसरी है, वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। तो मतलब आपको लॉजिक लगाना है कि कस्टमर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट सेल करने। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं जो अभी ज़रूरी है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स, तो उसे आपको कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो फोर्थ पॉइंट ये है। तो ये हमारे आज का एसेंशियल प्रोडक्ट्स के हमारे चार रीसेलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए हैं। आगे चल के हम ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग रीसेलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बता देंगे आपको। तब तक के लिए आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, और आज से ही रीसेलिंग स्टार्ट करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप आपके मैनेजर Shop 101 के मैनेजर से, मतलब आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर से आप पूछिए और वो आपको क्लियर करेंगे। और आज ही हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और अगले वीडियो तक आप स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।